खबर सीहोर जिले के आष्टा विकास खंड से है, जहां ग्राम मुल्लानी के रहने वाली प्रीति परमार ने इतिहास रच दिया है। 12 साल की प्रीति परमार ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर फतेह हासिल की है और ये इतिहास अपने नाम करने वाली एमपी के सीहोर की रहने वाली प्रीति ऐसा करने वाली मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र वाली लड़की बन गई है। आपको बता दें कि प्रीति ने रात 1 बजे बेस कैंप से चढ़ाई शुरू की और 9 घंटे के भीतर शिखर तक पहुंच गई। बच्ची ने यह साहसिक कार्य बिना किसी सहायता के पूरा किया। प्रीति के साथ उनके भाई चेतन परमार भी थे, जिन्होंने पहली ही कोशिश में इस पर्वत को फतह कर लिया। यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसे माउंट एल्ब्रुस कहा जाता है, उसे मध्य प्रदेश की पहली फीमेल गर्ल हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने इस चोटी को महज 12 साल की उम्र में फतेह कर यह कारनामा अपने नाम किया है। प्रीति जी, आपका स्वागत है विस्तार न्यूज पर। थैंक यू सर। कैसा महसूस कर रही है, महज 12 साल की उम्र में आपने यह कारनामा किया है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा मुझे मेरे भैया से मिली है, जो कि मुझे बचपन से प्रैक्टिस कराते हैं, मतलब मैं छोटी थी तब से। इतनी ऊंचाई पे बताते हैं ऑक्सीजन जो है वो कम होने लगती है और जान, मतलब वहाँ पे जिंदा रहना ही अपने आप में संघर्ष है। ऐसे में आप ऊपर चढ़े, कितना संघर्ष आपने किया और क्या क्या चुनौतियाँ आई आपको? वहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी और कई कई जगह पर बहुत सारी, मतलब ऐसे खड़ी पहाड़ी थी, तो दिक्कतें तो आई थी। तो हमारे साथ उनके कोच भी मौजूद हैं, हम उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कितना बड़ा कारनामा है और किस रूप में देखते हैं। थैंक यू सर। पहले तो मैं विस्तार न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो मेरी बहन है प्रीति परमार, ये मेरी चचेरी बहन है और अभी 12 साल की उम्र में मध्य प्रदेश की पहली लड़की है जिसने माउंट एल्ब्रुस बिना ऑक्सीजन के वहाँ पे सबमिट किया है। और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, जैसे हम लोग 15 अगस्त को फाइनल सबमिट करने वाले थे, लेकिन 15 अगस्त को बहुत ज़्यादा हवा और तूफान था, तो फिर हम लोगों ने इसको 16 अगस्त को 11 घंटे में सबमिट किया था सर। इसके लिए आपको कुछ यहाँ की जो स्थानीय जो गवर्नमेंट है उससे आपको कुछ सहायता राशि? हाँ, सहायता राशि पूरी मिली है और मुझे सीएम सर ने भी सहायता की है, उसके बाद कलेक्टर सर से भी मुझे मिला है।